Assalamualaikum, Namaste, Hello, my awesome viewers, Welcome back to my channel, Glam Sam. आज मैं शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी सा, क्रंची सा, मज़ेदार सा साबूदाना वड़े की रेसिपी, जो बहुत ही झटपट और आसानी से बनके तैयार हो जाता है, जिसको हम एज अ स्नैक्स या फिर ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, इसको हम व्रत में भी खा सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए साबूदाना। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम साबूदाना लिया है, जिसको पानी से, ठंडे पानी से दो या तीन बार हम धो लें, ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए और साबूदाना चिपका चिपका सा ना हो, साबूदाना हमारा खिला खिला सा रहे। और इसको पूरी रात आप भिगो के रख दे पानी में, या फिर 4 से 5 घंटा भिगो ले। इसके बाद हमें चाहिए 2 से 3 ग्रीन चिली, 1 लेमन जूस, 1 इंच अदरक और हरा धनिया। हरा धनिया एंड ग्रीन चिली को चॉप कर ले, लेमन को स्लाइस कर ले और जिंजर को ग्रेट कर ले। अब चाहिए पीनट्स, जिसको पैन में 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट कर ले और उसको दरदरा मिक्सी में पीस ले। नेक्स्ट चाहिए उबला हुआ आलू, जिसको मैश कर ले। साबूदाना को हाथ से तोड़ के देख लीजिए ये अच्छी तरह से भीग चुका है या नहीं। उसके बाद इसका पूरा पानी स्ट्रेन करके इसमें बाकी सारा सामान हम ऐड कर ले। यहाँ पे हमने डाला मैश पोटैटो, इसके बाद डाले हरा धनिया, इसके बाद डाले ग्रीन चिली जो चॉप किया हुआ था, ये अपने हिसाब से डाले, तीखा ज़्यादा खाते तो ज़्यादा डाले, जिंजर जो ग्रेट करके रखा था, लेमन जूस, एक पूरा लेमन जूस आप यूज़ करें 250 ग्राम साबूदाना में, ऐड करें सिंधा नमक अगर आप व्रत के लिए यूज़ करना चाह रहे हो, और नहीं तो नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसके बाद जीरा ऐड करें, सॉरी जीरा के बारे में मैं बोलना भूल गई थी, और पीनट्स जो हम लोगों ने ग्राइंड करके रखा हुआ था। अब इसको अच्छी तरह हल्के हाथ से मिक्स कर ले। अब इस मिक्सचर से हल्के हाथ से पैटी बना ले। हल्के हाथ से मैं इसलिए बार बार मेंशन कर रही हूँ ताकि साबूदाना का दाना पूरा खिला खिला रहे। पैटी तैयार है। अब इस पैटी को फ्राई करने के लिए कढ़ाई को अच्छी तरह गरम कर ले, उसके बाद खूब सारा ऑयल डाले, क्योंकि वड़े को हम डीप फ्राई करेंगे। अब ऑयल अच्छी तरह गरम हो जाए तो उसके बाद साबूदाने के पैटी को कढ़ाई में एक एक करके डाल दे एंड इसको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक धीरे धीरे फ्राई करें। बड़ा डालने टाइम आपका फ्लेम लो होना चाहिए, और जब आपने वड़ा डाल दिया उसके बाद मीडियम लो फ्लेम में हम वड़े को फ्राई करेंगे दोनों तरफ क्रिस्पी और क्रंची होने तक। और ये भी नोटिस करें कि दोनों तरफ अच्छी तरह कलर आ जाए। फिर उसके बाद एक टिश्यू पेपर में इसको निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए, और इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। मेरे पास यहाँ ग्रीन चटनी नहीं था, इसलिए मैंने सॉस के साथ सर्व किया है। हमारा वड़ा रेडी है, अब इसको एंजॉय कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। दिस इज सैमी साइनिंग ऑफ।